नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 22 जनवरी की तारीख को कभी नहीं भूल पाएंगे। आज राहुल को असम के मंदिर शंकरदेव में जाने से रोक दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दोनों असम में है। राज्य में यात्रा को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देर शाम को ना गांव के आमबाग इलाके में राहुल गांधी के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ ने राहुल गांधी के खिलाफ यहां पर गो बैक के नारे लगाए। साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। राहुल गांधी वापस जाओ और अन्याय यात्रा के पोस्टर लेके बड़ी संख्या में लोगों ने ना गांव के आमबाग इलाके में राहुल गांधी के खिलाफ यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी भड़ास निकाली। स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कैसे दौड़ा दौड़ा कर राहुल गांधी को भगाया गया और कैसे राहुल को अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं राहुल गांधी का ये वीडियो। तो इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम में किस तरह से राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नागांव की इस घटना के वीडियो में राहुल एक दुकान पर खड़े नजर आ रहे हैं। दुकान के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो राहुल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता के सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचते हैं और उनको वहां से ले जाते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में पोस्टर बैनर थे जिसमें गो बैक लिखा हुआ था। साथ ही लोग लगातार राहुल और उनकी यात्रा के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जहां दिन के वक्त सोनीपत में भीड़ ने राहुल की बस के सामने विरोध प्रदर्शन किया था, वहीं देर शाम नागांव के आमबाग इलाके में एक बार फिर लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नागांव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि 20 से 25 कार्यकर्ता लाठी लेकर हमारी बस के सामने आए और जब मैं बस से बाहर आया तो वो भाग गए। उन्हें लगता है कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस से डर गई है। वो सपना देख रहे हैं, वो जितना चाहे उतने पोस्टर और तख्तियां फाड़ सकते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। हम किसी से नहीं डरते, हम ना तो पीएम नरेंद्र मोदी से डरते हैं और ना ही असम के सीएम। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये वीडियो। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लाकार्ड फाड़ने फाड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से भी डरते हैं ना, नरेंद्र मोदी से डरते हैं ना, यहाँ चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। तो राहुल गांधी की असम में जो यात्रा है वो 7 दिन रहने वाली है, लेकिन इन 7 दिनों में राहुल गांधी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जब से असम में राहुल गांधी की एंट्री हुई है उसके बाद से लगातार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह यहां पर असम में राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है, उनकी यात्रा का विरोध किया जा रहा है। 22 जनवरी आज ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के लिए काफी अहम और खास दिन है। आज यहां पर अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी यहां पर लगातार खबरों में बने हुए हैं, लेकिन वो
यहाँ पर जो खबरों में बने हुए हैं वो खबरें यहाँ पर सभी निगेटिव हैं, और यहाँ पर जिस तरह से वो खबरों में आना चाह रहे हैं उनको लेकर भी यहाँ पर राहुल गांधी की काफी फजीहत हो रही है। राहुल गांधी को 22 जनवरी को असम के ही नगांव के शंकरदेव मंदिर में जाने से भी रोका गया। नगांव में बोदोरवा थान से वो धर्मस्थल है जिसे असम के संत श्री शंकरदेव का जन्म स्थान माना जाता है। बोदोरवा थान मंदिर को यहां पर शंकरदेव मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। राहुल गांधी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंकरदेव मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहते थे। जब उन्हें रोका तो उसके बाद उन्हें मीडिया से बात करते हुए अपनी भड़ास निकाली। चलिए भी देख लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अपने बयान में। I was invited there on the 11th, and then I think they've been pressurized. So now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. So they're finding out. They've obviously been ordered from on top. They don't want me to go. तो सुना आपने राहुल गांधी को, जिनका साफ कहना है कि उन्हें शंकर देव के मंदिर में जाने से रोक दिया गया और वो वहां पर उन्हें बुलाया गया था और उसके बाद कहा जा रहा है कि आप नहीं जा सकते, शायद आज सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है। ये बयान उनका इशारा कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम मंदिर में जाना चाहते हैं, मैंने क्या अपराध किया है कि मुझे मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी को बोदोरवा थान में दोपहर 3 बजे के बाद एंट्री करने की इजाजत देने की जानकारी सामने आई थी, और यहां पर थान मैनेजमेंट कमेटी ने 21 जनवरी को कहा था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यहां पर काफी सारे देवता जो हैं वो थान में आएंगे। इसके अलावा कई सारे प्रोग्राम भी मंदिर के बाहर और भीतर आयोजित होने वाले हैं जहां हजारों लोग जमा होने वाले हैं। इस वजह से तय किया गया है कि राहुल गांधी को दोपहर के 3 बजे के बाद मंदिर में दर्शन का जो समय है वो दिया जाएगा। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी बोदोरवा जाना चाहते थे और 11 तारीख से हम अनुमति लेने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक हमें कल बताया गया कि आप 3 बजे नहीं आ सकते, मतलब 3 बजे के बाद वहां पर आ सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार का दबाव है। और क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने, देखते हैं। राहुल गांधी जी यहां जाना चाहते थे 11 तारीख से, हम कोशिश कर रहे हैं 11 तारीख को हमारे दो विधायक सत्र के समिति से मिले, उनको कहा कि हम 22 तारीख को आएंगे 7 बजे को, हमें कहा गया आपका स्वागत है, पर अचानक हमें कल 21 तारीख को कहा गया कि आप 3 बजे तक नहीं आ सकते हैं, 3 बजे के बाद ही आ पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सरकार, राज्य सरकार का दबाव है, क्योंकि पिछले दिन ही मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां आ सकता है पर 3 बजे के बाद। उसी को दोहराया सत्र के मैनेजमेंट के सत्राधिकार जो समिति के अध्यक्ष हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे वहां जाने का, पर 3 बजे के बाद आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 100 किलोमीटर हम आगे जाएंगे, फिर से 100 किलोमीटर, तो माने 300 किलोमीटर हमें और ज्यादा जाना पड़ेगा, वो असंभव है। आपको बता दें कि 21 जनवरी को ही सोनितपुर जिले में रविवार को ही दोपहर के वक्त वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की कार और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया था। कांग्रेस ने दावा किया था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया। AICC नेता ने कहा है कि हमने पुलिस को इसकी जानकारी दी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौके पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम रमेश की कार से कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा के स्टिकर फाड़ दिए गए और हमलावरों ने गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाने की कोशिश की, इससे कार का पिछला शीशा लगभग जो है वो टूट गया है। और इधर कांग्रेस सांसद ने भी, यहां पर राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कुछ लोग सड़कों पर हाथों में बीजेपी का झंडा लिए खड़े नजर आ रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी उन लोगों के पास पहुंचे तभी वो वहां से भाग खड़े हुए और जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बड़ा आरोप लगाया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के जुमू गुरीहाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके वाहन पर हमला किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा पर भी कथित हमले की साजिश रचने का जयराम रमेश ने आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि यहां पर उन्हें अपना संयम बनाए रखना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने भी ट्वीट कर कांग्रेस को जवाब दिया है और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर राम भक्तों को जय श्री राम का नारा लगाने का पूरा अधिकार है। राहुल गांधी को अपना आपा नहीं खोना चाहिए और उन्हें जय श्री राम के नारे से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हिंसा मत भड़काओ और ना ही जनता को धमकाओ।
यानी कि एक बार फिर असम में यहां पर हिमंता बिस्व शर्मा और राहुल गांधी आमने सामने हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लगातार बयानबाजी की जा रही है और राहुल गांधी की यात्रा को भी निशाना बनाया जा रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। तो वहीं यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार असम सरकार पर निशाना जो है वो साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीएम हिमंता बिस्व शर्मा जो हैं वो इस यात्रा के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आ रहा है वो खुलकर ये है कि एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर ठन गई है, दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और 22 जनवरी जिस तरह से ये पूरा देश राममय है और उस वक्त यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे उनका ही नुकसान हो रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। 2024 चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें कांग्रेस को आने वाले वक्त में और भी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।